ब्राउनीज तो हम सभी को पसंद होती है, लेकिन जो ब्राउनीज हम घर पे बनाते हैं वो बहुत सी बार फूल जाती है, वो फज नहीं आ पाता, वो क्रिस्पीनेस नहीं आ पाती है ब्राउनी में, कि हमें बिल्कुल मार्केट जैसी फजी ब्राउनी नहीं मिल पाती घर पर बनाने से। आज की रेसिपी हम सीखेंगे कि फजी चॉकलेटी मार्केट जैसी ब्राउनी घर पर कैसे बनाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है दोस्तों, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ब्राउनी बनाना कितना आसान है, कि जो फज आता है ना वो कितनी ईजीली आ जाता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, दिस अश्विन। आज की हमारी रेसिपी है फजी चॉकलेटी ब्राउनी की, तो वीडियो एंड तक देखना, इसमें हम वॉलनट्स भी डालेंगे, तो बहुत अच्छी और इजी रेसिपी होने वाली है। तो मिलता है आपको वीडियो के बाद। सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे और उसमें 80 ग्राम बटर लिया है, और उस बटर में हम लोग डाल रहे हैं हमें मेल्टेड चॉकलेट। लगभग 1 कप मैंने चॉकलेट यहाँ पे डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर लिया था। आप चाहे तो अमूल का चॉकलेट भी मेल्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क अपना, और इसके बाद हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट जो आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, मैंने ही माइक्रोवेव में किया, या फिर अगर आप चाहें तो आप डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, ये एडिशनल फ्लेवर के लिए होता है, वरना हम चॉकलेट डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का, 1/2 कप मैदा, ये हमने छान करके मैदा यूज़ की है, और 1/2 टीस्पून विनेगर, और उसके साथ साथ 3 टेबल स्पून कोको पाउडर का। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1/2 कप पाउडर शुगर भी हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने जो मैदा है वो सिर्फ 1/2 कप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो भी हमारी ब्राउनीज होती है इसमें कम वाटर कंटेंट रखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम दूध की हेल्प से हम लोग इसे अच्छे से एक बैटर बना लेंगे, तो ब्राउनी जो है उसमें वो हमारा मैदा का कंटेंट कम होना चाहिए ताकि ताकि हमारा वो फज आ सके। और हमने यहाँ पे मिल्क का कंटेंट भी कम रखे हैं क्योंकि ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, पतला बैटर नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न ये, जितना पतला होगा उतना ज़्यादा ये हमारी ब्राउनी फूलेगी, और जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा फज और उतनी हमारी डेंस ब्राउनी बनेगी और इंटेंस फ्लेवर आएगा। एक आप चाहें तो इस स्टेज पर क्रश्ड वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को अपनी ब्राउनीज़ के बीच में वॉलनट्स पसंद नहीं, इसलिए मैं सिर्फ एंड में ऐड करूँगा एट द टाइम ऑफ बेकिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक टिन या फिर आप कह सकते हो केक मोल्ड में हम लोग इसे डाल लेंगे। मैंने इसे पार्चमेंट पेपर या फिर आप कह सकते हो बटर पेपर से लाइन कर लिया है ताकि हमारी ब्राउनी चिपके ना। आप चाहे तो सिलिकॉन मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैं नॉर्मल मोल्ड का, एल्यूमिनियम मोल्ड का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमारी ब्राउनी सारी ट्रांसफ़र कर लेंगे, ब्राउनी का बैटर, और इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 25 मिनट के लिए एक प्री हीटेड ओवन में। हमने ओवन जो है अपना 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया है, उसमें हम लोग इसे बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। बेस्ट ऑन ओवन आपका टाइम डेफर कर सकता है, और यहाँ पे इसे टैप कर देंगे ताकि सारी सारी एयर स्पेस इसमें ख़त्म हो जाए। और लगभग 1/2 कप क्रश्ड वॉलनट्स डालेंगे इसमें। आप चाहें तो इसके बीच में भी वॉलनट्स डाल सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था उस स्टेज पर। वॉलनट्स डालने के बाद हम इसे बेकिंग के लिए डाल देंगे, और उसके बाद आपकी ब्राउनी एकदम रेडी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने वॉलनट क्रश कर लिए हैं और ये ओवन में गए चली गई हमारी ब्राउनी। तो इसी के साथ हमारी ब्राउनी है रेडी। देखिए कितनी सिंपल और ईजी और इतनी छोटी सी रेसिपी थी हमारी ब्राउनी की। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखिए कितनी मस्त हमारी ब्राउनी निकल कर आई है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा चॉकलेट वॉलनट ब्राउनी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए क्योंकि उससे रीच बढ़ेगी और फ्री है यार, कर ही दो। और इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है IAM अश्विन राजपूत, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी फूड कॉन्टेंट और फूड वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिलेंगी, फूड फोटोज़ भी आती हैं, और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ बनाते हो मेरी रेसिपी से तो अपनी स्टोरी में शेयर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके बाद मिलता है आपको किसी और नई टेस्टी एक्साइटिंग और इजी रेसिपी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, ईट हेल्दी।